हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाई हूँ तुरई की सब्ज़ी, और वो भी बहुत कम चीज़ों से, सिर्फ दो चीज़ों से बनाई हूँ। देखिए कैसी लग रही है हमारी सब्ज़ी, है ना। अच्छा लुक इसका अच्छा लग रहा है ना। तो आप भी ट्राई करिएगा, ट्राई करके मुझे बताइएगा कि कैसी बनी आपकी सब्ज़ी। देखिए इसका लुक कैसा है, बहुत ही आसान है इसे बनाना, तो बच्चे भी बना लेंगे। देखिए इसे, है ना। अच्छा तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लगेगा, क्या किस चीज़ से क्या क्या लगेंगे बनाने में। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर बनाना, बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी दाल चावल के साथ। तो मैंने इसमें लिए हैं 2 प्याज मीडियम साइज़ के, 2 हरी मिर्ची। मैं हमारे यहाँ नॉर्मल तेज़ खाते हैं तीखा, तो इसलिए सिर्फ 2 हरी मिर्च लिए और 3 तुरई है। तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा तीखा जितना भी करना होगा। और प्याज जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा मतलब डलती है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा प्याज काटना, मैं इसमें ज़्यादा प्याज काटती हूँ। तो प्याज को छील लेंगे, साफ़ कर लेंगे, धो लेंगे इसको। तो ये मैंने प्याज को छील ली हूँ, इसका छिलका उतार दी हूँ। अब जो है तुरई को छील लेंगे और इसका जो छिलका है उसे उतार लेंगे और काट लेंगे इसे बारीक बारीक। तो फ्रेंड जी जितना बारीक रहेगा उतना ही अच्छा, जल्दी से गलेगा ये। चलिए पहले छिलका उतार लेते हैं, फिर देखते हैं आगे का। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने तुरई का छिलका उतार लिया है और अब इसे काट लेते हैं बारीक बारीक। तो देखिए मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले रही हूँ बारीक बारीक, और इससे क्या होता है कि सब्ज़ी जो है जल्दी गल जाती है। तो ये पूरे तुरई को हम ऐसे ही काट लेंगे और फिर प्याज को काटेंगे। तो ये मेरी तुरई समथिंग कट गई। और फ्रेंड्स आप, बहुत आसान होता है बनाना, शॉर्टकट तरीका है ये बनाने का, और टेस्टी भी वैसे ही रहता है। अब हम काटेंगे दोनों प्याज को, इसे भी बारीक बारीक ऐसे काट लेंगे। ये इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है कोने का, उसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तुरई और प्याज दोनों कट गए हैं। अब हरी मिर्ची को इसी में काट लेती हूँ मैं बारीक बारीक, इसे भी काट लेना है। तो हमारी मिर्ची कट गई है, अब इसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स गैस पे कढ़ाई रख कर इसे बनाते हैं बनाने। तो फ्रेंड्स मैंने कढ़ाई गरम कर ली थी, तेल भी डाल ली थी, और उसमें ये प्याज को फ्राई कर रही हूँ। इसको गोल्डन फ्राई, गोल्डन कलर आने तक ही फ्राई करना है इसे। तो हम 10 मिनट लगेंगे कम से कम गोल्डन फ्राई होने तक। तो इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद ही हम तुरई को डालेंगे। और अभी मैं नमक डाल दे रही हूँ इसमें, प्याज जो है जल्दी गल जाएगी इसीलिए। और इसे चला लेंगे अच्छे से ताकि नमक ऊपर नीचे अच्छे से मिल जाए। तो फ्रेंड्स हल्का हल्का कलर आ रहा है प्याज में, और जब तक कलर नहीं आए, गोल्डन फ्राई जब तक ना हो तब तक सब्ज़ी नहीं डालना, क्योंकि सब्ज़ी वो एकदम हरी हरी अलग ही दिखती है, अच्छी नहीं लगती। इससे कैसा कलर भी आ जाता है नेचुरल, और टेस्टी भी लगता है। तो फ्रेंड्स हल्का हल्का कलर आ रहा है हमारी प्याज में, और देखिए हमारी प्याज हो गई ये गोल्डन। अब इसमें डाल देंगे हम कटी हुई हमारी तुरई को। तो ये हमने तुरई डाल दिया है और इसे चलाएंगे थोड़ी देर, और धीमे आंच पे इसे ढक के पकाएंगे, क्योंकि हमें
तुरई के पानी से ही इसे गलाना है, अलग से पानी नहीं डालना है। तो स्लो आंच पे रहेगा तो इसका पानी जल्दी जलेगा नहीं और वही पानी में गल भी जाएगा। तो इसे हम अच्छे से ऊपर नीचे चला लिए और इसे एक ढक्कन से ढक के स्लो आंच पे रख देंगे। तो फ्रेंड्स, इसे मैं तुरई को डालने के बाद तुरंत मैंने ढकी नहीं हूँ, अभी ढकने की हूँ। तो इसे बीच बीच में चला लेना है, कम से कम 5 मिनट मूल लेंगे इसे, तभी ढकेंगे ढक्कन से। और अब जो है ढक देंगे इसे, फिर ये पानी छोड़ेगा और उसी पानी में ये सब्ज़ी गल जाएगी। तो ये मैंने ढक्कन लगा दिया है, अब 5 मिनट के बाद इसे खोल के देखेंगे। बीच बीच में चलाना ज़रूरी है खोल खोल कर ढक्कन, वरना सब्ज़ी जल जाएगी हमारी। तो चलिए हम सब्ज़ी देख लेते हैं, सब्ज़ी देख लेते हैं गली है या नहीं गली है। तो तेल तो छोड़ दिया है सब्ज़ी, देखते हैं गली है, सब्ज़ी तो हमारी जल गई है। देखिए सब्ज़ी जल गई, तो चम्मच से कैसा दबाना है ताकि मतलब खड़ा खड़ा ना दिखे। बाहर तो अपन खाते हैं तो अलग ही मुँह में आता है कच्चे जैसा, तो इसे चम्मच से ऐसे दबा दबा के हम भून लेंगे तो मुँह में कच्चे जैसा नहीं लगता है, अच्छे से भुना जाता है। ये इसे ऐसे चलाना है, देखिए कम से कम 5 मिनट चम्मच से ऐसी बिल्कुल इसे मिक्स कर देना है एक दूसरे में। देखिए कैसे मैं चला रही हूँ सब्ज़ी को, थोड़ी थोड़ी देर में चलाती रहना है वरना जल जाएगी सब्ज़ी। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये जो है सब्ज़ी दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। तो देखिए हम एक बाउल में सब्ज़ी को निकाल लेते हैं, कैसी है हमारी सब्ज़ी। देखिए कलर कितना अच्छा है इसका और देखने से ही टेस्टी लग रहा है। तो जब आप बनाएंगे ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा है। देखिए हमारी सब्ज़ी का लुक। और अगर ऐसी आसान रेसिपी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू।